सब भाइयों को केनेन्द्र ओदिगोर से राम राम सत श्री अकाल। तो स्वागत है जी आप सब भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल केनेन्द्र ओदी डायरी फार्म पर। और आज की वीडियो कवर करें जी जींद शहर के अंदर से थानेदार डायरी फार्म बलजीत जो खोली भाई के डायरी फार्म से। बलजीत भाई राम राम है, कैसे हो और काम धंधा? दस एक दिन हो गए शायद मैंने वहाँ वीडियो डाली थी, आपने सेंड करी थी व्हाट्सएप के माध्यम से, भाई सेल होगी थी। अच्छा रेट कराया था 2,20,000 की, कितने की दी? वो दी थी 1,85,000। 1,85,000 की दूध दाद पूछा हो कितने कड्डे दूध दाद भाई साहब पूछा नहीं, बाकी अपनी डेयरी में दो टाइम तोल के ले गए। कितना उसमें दूध था ही, बच्चे से अलग 6 किलो एक टाइम का। हाँ। यानी कि 12 किलो तो शुरुआत हुई थी, 14 किलो मान लो भाई, 14 किलो क्यों बच्चे दूध? हाँ बच्चे को भी छोड़ दिया किलो। और आपने वीडियो डाली थी खीस में, ठीक है। तो आज कितनी दिखा रहे हो? 6 अच्छा स्टार्टिंग। अच्छा बता दो इसके बारे में। तीसरे ब्यात में भी आई भाई साहब, थोड़ा हाँ ऊंचा बोल दो। तीसरे ब्यात में? हाँ तीसरे ब्यात में भी आई है। अच्छा जी। और मान लो लगभग खीस खाली कर दिया भाई साहब, खाली कर दिया। हाँ। अच्छा नीचे कट दी है, दूसरे ब्यात में इसने 20 किलो दूध दिया। 20 किलो ठीक है जी। खोलो एक बार दार पीछा की बलजीत भाई। अच्छा जी। और स्टार्टिंग कितने तक माना इसकी? स्टार्टिंग इसकी भाई साहब मान लो जिस हिसाब से खीस निकाला नहीं, 14 तक तो स्टार्टिंग कम से कम होगी। अच्छा 14 से शुरुआत होगी। नीचे जी कटड़ी और अडर में मोटी मोटी नस आप सुस्पष्ट देख सकते हैं। रोक एक मिनट मेरे भाई रे, एक दमा कर लिए थोड़ी ही, ये बस 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 ऐसे ही रोक ले। ये देखो जी अडर में नस वगैरह, और इबे फिलहाल 2-3 घंटे तो बाकी हो गए या ज्यादा टाइम है, और थनों की क्वालिटी आप सुस्पष्ट देख सकते हैं जी। और ये अडर में मोटी मोटी नस चलन दे मेरे भाई। और ये देखो जी टाइट अडर और खाली होने का जोश भी लाजवाब, बिल्कुल खड़े पुट्ठी के जबरदस्त। ब्यांत कौन से बलजीत भाई? तीसरे ब्यांत के आने दे भाई। और दूसरे ब्यांत में बलजीत भाई ने बताया 20 किलो दूध जो कि निकाल चुकी है। तो इब का क्या कुछ उम्मीद कर सकते बलजीत भाई? 22 किलो। अच्छा जी। बाकी कद तो है नॉर्मल सा, ना ज्यादा लंबी ऊंची ही ना ज्यादा छोटी, बढ़िया जो मुरा का कद होगा ठीक ले रही है। और थन जोटी की बढ़िया गजब की, ये देखो जी थनों का गैप भी आप सुस्पष्ट देख सकते हैं। इसके साथ मैं आपकी गैप पर वीडियो डाल दूं भाई साहब, उसमें बहुत ज्यादा लोट आते हैं। अच्छा जी तो आधा मान लो आप, आधा माना ठीक है जी। और अभी इसी के बाद में आप देख पाओगे जी गैपन की जो इसकी ब्याने से पहले की वीडियो है। रोकिए वीरू एक बार, खाली होंगी की अडर क्वालिटी। सवेरे कितने बजे चुवाई है? सुबह अपने 3:30-4 बजे चुवाऊं भाई साहब, 3:30-4 बजे। और शाम में भी इतने बजे? क्योंकि ये सड़ से देखो ये तो जरूरी है भाई, जब यह मैला मुला ला कहीं तो भर जाए, लेकिन देखो टाइट अडर पूरा शरीर का छिप रहा है, यूए जरूरी भी हुआ है। डांगर में सूत्रा भी लागा है, दूसरे बात में दूध दिया है। अच्छा ये नहीं भी भरोसा था अपने यार दोस्त। अच्छा तसल्ली की जगह थी, ठीक है। तो बलजीत भाई कीमत वगैरह इसकी? 2.25 लाख रुपये की। मैं कम ज्यादा करोगे के उसके बाद? ये जी पहले ब्यात की ये जोटी है सर। अच्छा आज इसमें 13-14 किलो दूध है, ठीक है। नीचे कटड़ी दांतों में? दांत में 6 दांत। 6 दांत खोले मेरे भाई। ब्याह कितने दिन की होगी बलजीत भाई? 11वां दिन है। और फुल हाइट लेंथ की जोटी है जी, खड़े पुटी बढ़िया वजनदार, चलने दे भाई। दूध कितना बताया बलजीत भाई? 13-14 किलो दूध है। 13-14 किलो। और मैला मुला से छटने के बाद कितनी उम्मीद कर सकते हैं? हाँ 15-16 किलो। चुआई सुपर फास्ट? बिल्कुल। अच्छा जी आने दे मेरे भाई। नीचे कटड़ी? नीचे कटड़ी है, ठीक है जी। फर्स्ट टाइमर नीचे जी कटड़ी। और ये देखो जी आगे चेहरे मोरे की बनावट और कद वजन चोटी का आप देख सकते हैं जी लाजवाब। एक मिनट थोड़ी आराम कर मेरे भाई, रोक ले। ये देखो जी अडर में मोटी मोटी नस आप सुस्पष्ट देख सकते हैं। वाजीवा बलजीत भाई थन कैसे निकाला प्योंसने के बाद? बढ़िया भाई, क्योंकि दिखने में अभी फिलहाल छोटा लग रहा था थोड़ा। हाँ पोसे पाछे। अच्छा पोसे पाछे तो बहुत बढ़िया जी, आराम से मुट्ठी में आवे। हाँ
नीचे ही तो सर। अच्छा अच्छा, बाकी ये हार्डर में मोटी मोटी नसों का जड़ आप देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलने दो जी। और ये देखो जी, पुट्ठे की चौड़ाई जोटी की आप सुस्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बांध ले। अजीत भाई, कीमत वगैरह जोटी की? 2.25 लाख इसके है जी। ठीक है जी, अगली पशुधन पे आ जाओ बलजीत भाई, इसके बारे में बता दो। ये दूसरे ब्यात में ब्याही हुई है भाई साहब, आज 14 दिन की ब्याही होगी। ठीक है, और अभी इसमें दूध है 16 किलो। 16 किलो, 14 दिन की ब्याही। नीचे नीचे कटड़ी है सर, नीचे कटड़ी है जी। खोलो भाई, ब्याह दूसरा? दूसरे ब्यात के। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जोटी ब्याह थे दूसरा, इसके नीचे भी कटड़ी जी। वाह जी वाह बलजीत भाई, सभी कटड़ी वाली है? अच्छा, आगे कट्टे भी है। ये देखो जी, बिल्कुल प्यारा सिंह, छोटे और पूरी जटो वाली जोटी है। चुवाई चुवाई बलजीत भाई जोटी की, बिल्कुल अच्छी है। अच्छा, यह कितना दूध तक पहुंच सकती है? 17-18 किलो दूध देगी भाई। 17-18 किलो आने दे मेरे भाई। बाकी आइटल मेट जोटी की, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया ले रही है। तो ये चीज तो नहीं भाई, गराखड़ी सूत्री लागे दूध। हाँ हाँ, ना बढ़िया, बिल्कुल छोटा सिंह ओरिजिनल आने दे मेरे भाई। तो बलजीत भाई, जोटी कीमत वगैरह? 2,10,000 भाई। 2,10,000 रुपये। अच्छा जी, बांध ले मेरे भाई। और ये देखो जी, नीचे अंडर क्वालिटी जोटी का आप सुस्पष्ट देख सकते हैं, बिल्कुल खड़े पुट्ठे की बढ़िया टॉप पूरा नस्ल की जेड ब्लैक टेल में जो की ये जोटी है। नीचे जी कटड़ी। ठीक है बलजीत भाई, उसके बाद? ये सर दूसरे ब्याज में ब्याही है। अच्छा जी, और आज 9वां दिन की ब्याही में 18 किलो दूध है सर। 18 किलो जी, ब्याह दूसरा? नीचे नीचे कटड़ा, चलने दे मेरे भाई सीधी। और 18 किलो जो की जोटी में दूध तैयार है जी। बलजीत भाई, कितना दूध काट देगी पीक पे पूरा पे मैला मुला लगाने के बाद? 22 किलो। अच्छा जी, बाकी जोटी बढ़िया टाइट लोटी की देखो जी, टांगों को बीच काट रहा बढ़िया जोशीला, आन दे मेरे भाई। तो कुछ टाइम भी नहीं हुआ ना सर। अच्छा, बाकी है फिलहाल 2-3 घंटे। तो बलजीत भाई, इसकी कीमत वगैरह? 2,20,000 रुपये जी। चलो मेरे भाई, घुमा लिया। बाकी जोटी बढ़िया खड़े पुट्ठे की वजनदार, आन दे मेरे भाई। सारे नगीने ले रखे आ तो ब्यात भी कम है भाई साहब, अच्छी अच्छी चीज लेके खुश हो मान जी। हां, लोग कई बार पीसा कहानी को देखते, ज्यादातर क्वालिटी होनी चाहिए। बाकी अपने डेयरी में आता दूध 80 रुपए किलो बिका है। 80 रुपए किलो? हां। अच्छा जी, अनिल देखो 80 में भी नहीं भाई साहब, सब ने पता चलता। अच्छा, 80 में भी बचत को निरा रही गए। अच्छा, फिर और कितना सोचो हो ईसा के 100 को बेचोगे? 100 तो होना भी चाहिए सर, होना चाहिए। सारा तूड़ी देख लो, खल बिनोला सारी चीज महंगी होगी, और फिर शहर में बैठे लेबर का खर्चा न्यारा। असली दूध हो तो 100 में भी ना मिला। हाँ, 100 में भी ना मिला। बलजीत भाई, इसके बारे में बता दो। ये भाई साहब आज 10वां दिन की ब्याही होगी। अच्छा, 20 किलो दूध कांटे पे रख लिया। 20 किलो कांटे पे रख लिया, रोक ले मेरे भाई ऐसे ही। बाकी पूरा थी का बच्चे बोल उसका। हाँ, जो बुम्बे वाला कद होगा वो कद ले रही है मैच। बिल्कुल भाई साहब, ब्यांत कौन सा मैच का लगभग? तीसरे का भाई साहब, आप अगर मान ले करा तो जम ही नहीं। हाँ, तीसरे का। हाँ, तीसरा नहीं है, चौथा भी उसका गणी बस यह है उसका नहीं। बाकी मान ले अपना कोई वो तो है। हाँ ना, ठीक से। बाकी दूध बहुत बढ़िया ले रही है, 20 कांडे का। 20 कांडे का दूध तो और बढ़ेगी भाई साहब अभी। अच्छा, या मान लो 3-4 किलो दूध और बढ़ जाएगी। 3 से 4 किलो यानी कि 23-24 किलो खुला देगी। बिल्कुल। अच्छा, आने दे मेरे भाई, मैं इसकी मीट थोड़ा की क्वालिटी और दिखा दूँ आप भाई, है ना। ये देखो जी, बिल्कुल मोटा मजबूत थन की भैंस है, चलने दे मेरे भाई। और पूरे खड़े पुट्ठे बढ़िया वजनदार है, हाइट लिमिट लाजवाब। बलजीत भाई, भैंस की कीमत? 1,95,000 रुपये जी। आने दे मेरे भाई, थोड़ा हाँ सिंह तो खुला है लेकिन बॉडी वेट पर जचा है। चल बांध ले मेरे भाई। और अगला पशुधन के बारे में बताओ बलजीत भाई। ये 4 दांत है सर, पहले ब्याह में ब्याहेगी। अच्छा, ब्याहेगी। एक मिनट इसको खड़ी करियो भाई, रे पहले मैं तुम्हें ब्याह की। बलजीत भाई, कितने दिन बाकी से? बलजीत भाई, कितने दिन बाकी से? अभी भाई साहब इसको 17 तारीख को दिन पूरे होने हैं। 17 तारीख को? अच्छा, चलने दे मेरे भाई सीधा। और मुँह से 4 दांत? 4 दांत चलने दे भाई। और ये देखो जी, अंडर क्वालिटी जोटी आप देख सकते हैं, टांगा बीच में जोशीला हड रखी है नी। देखो भाई साहब कैसा करे, खरकी है जी। हाँ, बाकी वजन वजन खूब ले रही है जोटी। अच्छा, घुमा ला मेरे भाई रे,
फिर दूध तो ब्याह बेरा लग गया कितना काटे गया आज कुछ नहीं पता जी खर किया हां कुछ है जी ये 17 दे दे रह जा 12 पे हां रह जा 12 पे भी रह जी कोई अंदर तो बड़े हां अंदर तो किमे जाने ब्याह बच्चा तो चल आदमी सोच लेबे के 2 किलो हां इसी धार धुरा की लिगड़ी आई थन काटे उसका फिर बेरा लग मान ले तो कोई ले तो ब्याह का ही ले जो तो अच्छी बात है ना बात ठीक से नफा नुकसान जेड़ लेंगे हां हां वो सही एक मैस लेनी है वो हां बेचारा मारया जाओ गलत है ना ना ठीक है भाई घुमागा और बांध दे जो ठीक है जाके दूध दे दे भाई साहब उसका खतरा बस सब अच्छे हो जाए हां सब खतरा अच्छे भाई साहब उन खतरा पर मारे वहां मारे भी यहां रोटी नहीं पड़ा भाई साहब जी अगर जाके दूध नहीं देवे तो हां रुपये लेके चीज लेके जाओ अगला रुपया बलजीत भाई नॉर्मल सा मीडियम परिवार का है पेट बांध के मैं इसलिए कि हां सी खेल थोड़ी है मैं सर क्या पता ब्याज भी उठा के ले हां ब्याज बैठा के ले मैंने सोचा भाई कि मैं दूध बेच का तारांगे उतर दे कौन भाई साहब रस नहीं इतना महंगा हो गया हां फिर इसकी कीमत है ठीक है उसी कीमत है सर 1,60,000 रुपये 1,60,000 रुपये और आपका भी कहना ब्याह ले लेंगे ठीक रहेगा ब्याह ही ठीक है सर अच्छा अच्छा दार दूर मार के ले लो हाँ खरी हो जी खरी हो जाए भाई साहब रिस्क को नहीं रहा हाँ रिस्क को नहीं रहा एक के ज्ञापन दो सारी ब्याह भी हाँ वह भी आप को ब्याह ले लिया क्यों कोई बात को नहीं आप तो ले आए क्योंकि भाई साहब बाहर मिलती को नहीं मिलती को ब्याह तो बहुत कम हो रहा है अच्छा अच्छा उनकी 1.5 लाख की दूसरे की 2.5-2.5 लाख हाँ 2.5-2.5 लाख रुपये बाकी डंगरा सारे ठीक लिया रखे कुल मिला के सूत्रे सारे दुआड़ी इकट्ठे कर रहे हैं भाई साहब हां उम्मीद है रे अच्छा चीज दिख जाग लगे दोबारा फिर भी और अच्छी भी बलजीत भाई शहर का भीतर बैठे नु लिया दूध वाली मकाम चल लगा नहीं बिल्कुल भाई साहब हैं बिना दूध वाली तो घर तक खावेगी जे के कर लोगे लाखड़ी तो दूध बहुत देगी हां हां तो बलजीत भाई अपना मोबाइल नंबर 810000 ठीक है जी जो लगातार वीडियो की स्क्रीन पर चल रहा है और भाई की ये नगीने कैसे लगे कमेंट करके जरूर बता दियो और भाई को कि सोच बता दियो भाई कैसी है क्योंकि हर को व्यापारी ने सोचा गया बने बिक जाए कहना जी क्या बन लिया रखी लेकिन भाई का भी कहना नहीं लिया ब्याह भी बिक जाए जो कोई बात को नहीं क्योंकि देखो इनका तो रूटीन था सेल परचेज का काम है और कुछ भाई का अनुभव भी है नुना सोचो जो थोड़ी लोटी दिखा लेकिन भाई ने अनुभव के साथ कुछ ना कुछ सोच कर खरीदी होगी अमलजीत भाई क्योंकि आपने भी नहीं सोची होगी जो टांगा बिच की लोटिया पक्का लोटा की दूध अच्छा कट दिया गवा सर पसारण वाला काम हो रहा है अच्छा आज के टाइम में कुछ नहीं सब भाग है सर किस्मत है हां किस्मत है भाग मैंने वही मिला जी कहीं तक जा लो इब जो पीडीएफ पे मेरा था अपनी जो टी सेकंड आई दूध में जो अपनी भैंस थी अच्छा हां शायद आपके चैनल वीडियो होगी नहीं रमेश अजवाणा के चैनल पे वीडियो थी अच्छा उसमें कौन था मैं दूसरा मैं 21-22 दे रखा है 23-24 दे दे उसने 28 निकाल दिया सर उसकी किस्मत अच्छी थी हां किस्मत अच्छी थी तो ये तो हां किस्मत का तो साए ना जी बिल्कुल ओनली किस्मत तो मिलेगा जो भी है सर पता है दूध हकीकत में वो भी किस्मत का ही है हां वो किस्मत का है मेरा घर आके 20 दे रही अगला गिरा 25 दे दे हां और अगला गिरा 16 पे चली जाओ हां हां रचन की बात है रचन की बात है रचने पर तो ये भी इतनी बड़ी बड़ी मैं हजारी थी मेले के अंदर जगराऊं मैं वहां पे कोई देख नहीं सर वहां पे सेट हो पाई हां सेट नहीं हो पा रही और घर वही इतना अच्छा दूध काटे जद लेके वही भी हां बिल्कुल सर नहीं मैं तो सर पता क्या बात वो तो सारे चैंपियन ही थे सर वहां पे चैंपियन थे हां हां जो माले लड़न की हिम्मत रखे नहीं सारे चैंपियन थे हार जीत तो देखो सर हार जीत तो किस्मत की हुआ है मेरी नजर में सर सारे चैंपियन थे सारे चैंपियन थे और सारे बल्कि मैं तुम भगवान अगली बार फिर उन्हें जिता हुआ है हां हां क्योंकि वहां भी मेहनत करी 10-12 दिन भाई साहब अपना धन ले जाके खराब करना हासी खेल नहीं हासी खेल को अपन तो लागे था उसकी मैं ने दूध नहीं काटया नहीं काटया लेकिन कोई मजाक नहीं मजाक नहीं ना ना ठीक है 10-10, 20-20 लाख की मैं सरकारी वहां हां और जाके एंड बैंड करनी और के सारे भाई बलजीत भाई ये सारे चैंपियन है सर अपनी नजर में मेरी नजर में सारी मैच जीत रही है सर हां तो ठीक है बलजीत भाई राम राम और जो जो मेरे पशुपालक वीडियो देख पाए सब भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो अच्छी लगे तो गाइड की अगर शेयर जरूर करें जय जवान जय किसान जय हरियाणा जय हरियाणवी किसान भाइयों अगर आपका पशु समय पर नया नहाता हो बार बार फिरता हो कम दूध देता हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्री डाइट खिलाओ समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा न्यूट्री डाइट को आप हरेक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं और हाँ इसे आप ऑनलाइन भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए 80595 37000 पर संपर्क करें।